हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू लर्न विद इतिमन। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर अभिप्रेरणा मोटिवेशन। तो चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि अभिप्रेरणा क्या होती है। तो देखिए, वे सभी कार्य जो व्यक्ति के व्यवहार को गति प्रदान करते हैं तो उन्हें हम अभिप्रेरणा के नाम से जानते हैं, ठीक है। और ये जो अभिप्रेरणा है ये एक प्रकार का क्या होता है, आत्मविश्वास होता है जो स्वयं या दूसरे के माध्यम से मिलता है, जिसमें व्यक्ति को लगता है कि हाँ वो चाहे तो क्या नहीं कर सकता, ठीक है। और यदि उसे गलत तरीके से आत्मविश्वास मिलता है तो वह ये सोचता है कि अब वो कुछ नहीं कर सकेगा। तो देखिए, कई बार मैं भी आप लोगों को जो है मोटिवेट करती हूँ तो उसके बाद जो है कई बच्चों के माइंड में ये आता है कि हाँ अब हम जो है वो एग्ज़ाम को फाइट कर सकते हैं, ठीक है। तो जो मेरे द्वारा दी गई जो अभिप्रेरणा है ये बाहरी तौर पर दी गई अभिप्रेरणा कहलाएगी, और जो अभिप्रेरणा जो कि आपके अंतर मन से, यानी कि आपने खुद ने ये चाहा कि आगे का जो एग्ज़ाम है वो मैं फाइट करूँगा, उसके लिए क्या क्या साधन चाहिए होंगे उसे मैं जुटाऊँगा, लेकिन 100% जो है स्कोर इसमें लाने की कोशिश करूँगा। तो ये जो है एक तरीके की कौन सी अभिप्रेरणा कही जाएगी, आंतरिक अभिप्रेरणा कही जाएगी, ठीक है। तो अभिप्रेरणा जो है दो टाइप की होती हैं, मैंने आपको बताया, एक तो होती है सकारात्मक अभिप्रेरणा और दूसरी होती है नकारात्मक अभिप्रेरणा। तो मैंने जो आपको अभिप्रेरणा दी तो वो बाहरी तौर पर कहलाई जाने वाली अभिप्रेरणा है। अब देखिए, अभिप्रेरणा जो है वह भी सकारात्मक होती है और एक होती है नकारात्मक, ठीक है। सकारात्मक अभिप्रेरणा क्या होती है, यानी कि जैसे किसी बच्चे ने कोई गलती कर दी तो टीचर जो है उसको क्या कहेगा कि कोई बात नहीं, शुरुआत में जो है ऐसी गलतियां स्वाभाविक हैं, तुम इसे एक दो बार करोगे तो तुम्हारी जो गलती है वो सुधर जाएगी, ठीक है, लेकिन तुमने प्रयास किया यही बहुत बड़ी बात है। तो ये क्या है, अभिप्रेरणा है जो कि शिक्षक के द्वारा बालक को दी गई और नेक्स्ट टाइम जो है वो उस कार्य को दोबारा से करने की सोचेगा, ठीक है। वही दूसरी जो है नकारात्मक अभिप्रेरणा, तो ये क्या होती है, इसकी बिल्कुल अपोजिट होती है। इसमें बालक को प्रेरणा तो मिलती है लेकिन वो आंतरिक नहीं मिलती बल्कि बाहरी तौर पर मिलती है। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल जो है ये हो सकता है कि एक टीचर ने जो है बच्चे को पाठ पढ़ाया, ठीक है। अब उस बच्चे को जो है नहीं समझ में आया तो टीचर ने क्या किया, बच्चे की जो है पिटाई कर दी और उससे कहा कि तुमने जो है ये गलती कैसे की, तुमने जो है इसका आंसर कैसे नहीं बताया, ठीक है, मैंने तो पढ़ाया ही था, तुम पढ़ाई नहीं करते हो, तुम एक होशियार विद्यार्थी नहीं हो, ठीक है, तुम ऐसे ही रहोगे तो तुम कभी भी जो है अच्छे नहीं बन पाओगे, अच्छे इंसान नहीं बन पाओगे, या तो तुम जो है सब्जी बेचोगे आगे चल के या रिक्शा चलाओगे। तो ये क्या थी, ये भी अभिप्रेरणा थी लेकिन ये नकारात्मक अभिप्रेरणा थी जिसने बच्चे को जो है अंदर से तोड़ के रख दिया। अब वह इस कार्य को करने के बारे में सोचेगा ही नहीं, ठीक है। अब उसको ऐसा लगेगा कि सच में मैं जो है वो पढ़ाई करने के लायक ही नहीं हूँ या मैं पढ़ाई नहीं कर सकता हूँ, ठीक है। तो अभिप्रेरणा जो है वह भी बहुत बड़ा रोल निभाती है सीखने में। अधिगम का जो चैप्टर पढ़ा था हमने उसमें यही चीज सीखी थी कि अधिगम जो है वो जीवन पर्यंत चलता है, ठीक है। तो उसी तरीके से अभिप्रेरणा जो है जिसके द्वारा अधिगम जो है वो बहुत अच्छे तरीके से किया जा सकता है, ठीक है। कोई भी व्यक्ति जो भी कोई चीज सीख रहा हो यदि उसे अभिप्रेरित कर दिया जाए तो वह उसे और भी अच्छे तरीके से सीखता है, वह अपने जो उसकी आंतरिक अभिप्रेरणा है उस वजह से वह अच्छे से सीखता है। तो अभिप्रेरणा जो है वह अंग्रेजी भाषा के मोटिवेशन शब्द से बना है, ठीक है। और अंग्रेजी भाषा का जो मोटिवेशन शब्द है वह लेटिन भाषा के मोटम से बना है, जिसका अर्थ है टू मूव, गति करना, हलचल करना या उत्तेजित होना। तो वे सभी कार्य जो व्यक्ति के व्यवहार को गति प्रदान करते हैं उसे हम अभिप्रेरणा के नाम से जानते हैं, ठीक है। अभिप्रेरणा जो है वह किसी भी कार्य को जो है वो स्टार्ट करने में, उसको जो है जारी करने में और उस पर जो है कंट्रोल करने की जो प्रक्रिया है वह जो अभिप्रेरणा कहलाती है। और यह अभिप्रेरणा जो है वो व्यक्ति को कार्य करने के लिए क्या करती है, प्रेरित करती है।
तो उपनाम देखिए कई बार एग्जाम में पूछा जा सकता है कि इसे जो है सीखने का हृदय भी कहा जाता है, क्योंकि हम देखते हैं जैसे हम किसी भी चीज़ को सीखने के लिए तैयार होते हैं, यदि हमें जो है मोटिवेशन मिल जाए तो हम उसे बहुत अच्छे तरीके से सीख जाते हैं। ठीक है, तो सीखने का हृदय अभिप्रेरणा को कहा जाता है। सीखने का स्वर्ण पथ गोल्डन रोड ऑफ लर्निंग क्या है? अभिप्रेरणा ही है। सीखने की अनिवार्यता ये भी क्या है? अभिप्रेरणा ही है। ठीक है, तो अभिप्रेरणा एक ऐसा आंतरिक प्रेरक है, आंतरिक बल है जो व्यक्ति को लक्ष्य की ओर या निश्चित व्यवहार करने की ओर अग्रसर करता है। तो चलिए इसकी विशेषताएं देखिए कि अभिप्रेरणा जो है एक अदृश्य शक्ति है, ये दिखाई नहीं देती है। क्या आपने कभी अभिप्रेरणा को देखा है? नहीं। अभिप्रेरणा जो है एक अदृश्य शक्ति है जो कि दिखाई नहीं देती है। अभिप्रेरणा जो है अधिगम की क्या है? प्राणवायु है। तो ये चीज जो है वो हमने इनके नामों में देखा था कि अभिप्रेरणा जो है वो सीखने का स्वर्ण पथ है। तो अभिप्रेरणा अधिगम की क्या है? प्राणवायु है। अभिप्रेरणा जो है वो लक्ष्य उन्मुख होता है। कैसा होता है? लक्ष्य केंद्रित होता है। यानी कि किसी चीज को सीखने के लिए हमें जिन चीजों की आवश्यकता होती है, तो ये अभिप्रेरणा जो है वो हमें लक्ष्य की तरफ जो है उन्मुख करती है, आगे की तरफ जो है ले जाती है। अभिप्रेरणा जो है अधिगम का सर्वोत्तम मार्ग है। तो यहाँ पर यदि व्यक्ति को अभिप्रेरित कर दिया जाए तो वह बखूबी तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से चीज़ों को सीखता है। तो एक टीचर को जो है ये उसकी जिम्मेदारी बनती है कि वह अपने स्टूडेंट्स को ऐसे कार्य दे जिनमें उनको जो है सफलता मिलना शुरू हो जाए, जिससे कि उनका जो है इंटरेस्ट बढ़े और उन्हें आगे कार्य करने की प्रेरणा मिलती रहे। अभिप्रेरणा आवश्यकता को जन्म देती है। तो देखिए अभिप्रेरित व्यक्ति कब होता है? जब उसे किसी चीज की आवश्यकता होती है। ठीक है, यानी कि मैंने आपको जो एग्जाम्पल दिया कि आपकी आपकी जो आवश्यकता है वो क्या है, कि हमें जो है एग्जाम में बहुत अच्छे से अच्छे मार्क्स लेकर आने हैं, तो ये क्या है? आपकी जरूरत है। ठीक है, और उस जरूरत को पाने के लिए आपको क्या किया? मैंने मोटिवेट किया। ठीक है, तो ये मोटिवेट जो है जो कि आपको क्या कर रही है? दिशा प्रदान कर रही है ताकि आप अपनी आवश्यकता को पूरा कर सकें, आपको संतुष्टि आगे मिल सके। अभिप्रेरणा में व्यक्ति का व्यवहार जो है लक्ष्य से निर्देशित तो होता है। जो भी आपने गोल डिसाइड किया है वहां तक पहुंचने के लिए व्यक्ति की जो भी आवश्यकताएं हैं, जो भी लक्ष्य है उसका, उसको पूरा करने के लिए व्यक्ति को निर्देशित कौन करता है? अभिप्रेरणा करती है। अब वह डिपेंड करता है कि अभिप्रेरणा जो है वह सही तरीके से दी गई है या गलत तरीके से दी गई है। यही यदि सही तरीके से दी गई है तो व्यक्ति की जो दिशा है वह आगे की ओर बढ़ती चली जाती है, और यदि वह गलत तरीके से अभिप्रेरित किया गया है तो वो वहीं पर रुक जाएगा और वो ये क्या सोचेगा कि आगे मुझे नहीं बढ़ना है क्योंकि इससे कोई फायदा नहीं है। अभिप्रेरित व्यक्ति में निरंतरता होती है। एक अभिप्रेरित व्यक्ति जो है वो आगे की तरफ बढ़ता जाता है और अपने लक्ष्य को पाने के लिए बीच में रुकता नहीं है। व्यक्ति में ऊर्जा परिवर्तन लाती है। ठीक है, तो दोबारा से देखिए अभिप्रेरणा की क्या विशेषताएं होती हैं। एक तो अभिप्रेरणा क्या है? अदृश्य शक्ति है, दिखाई नहीं देती है। अभिप्रेरणा अधिगम की क्या है? प्राणवायु है। अभिप्रेरणा जो है वो लक्ष्य उन्मुख है, यानी कि लक्ष्य जो है उसकी तरफ उन्मुख है। अभिप्रेरणा अधिगम का सर्वोत्तम राजमार्ग है। अभिप्रेरणा जो है आवश्यकता को जन्म देती है। अभिप्रेरणा में व्यक्ति का व्यवहार लक्ष्य से निर्देशित होता है। अभिप्रेरणा व्यक्ति में निरंतरता होती है। जो अभिप्रेरित व्यक्ति होता है उसमें क्या होती है? निरंतरता होती है, वो रुकता नहीं है, और व्यक्ति में ऊर्जा परिवर्तन लाती है। अभिप्रेरित व्यवहार में व्यक्ति चयनात्मक क्रियाएं करता है। यहां पर व्यक्ति जो है वो चुनाव कर लेता है कि वह किस प्रकार का कार्य करेगा। ठीक है, जो भी उसका जो लक्ष्य है उसको वो जो कि उसका पहले से ही डिसाइड है, तो उसके लिए उसे कौन कौन से कार्य करने होंगे, उसके लिए उसे कौन कौन से साधन जुटाने होंगे, तो यहां पर वो चुनाव की प्रक्रिया अपनाता है। ठीक है, तो अभिप्रेरित व्यवहार में जो व्यक्ति है चयनात्मक क्रियाएं करता है। 10th नंबर पर देखिए अभिप्रेरणा में भावात्मक पक्ष जो है वो अत्यधिक उग्र होता है। ठीक है, तो अभिप्रेरणा में तीन पक्ष कार्य करते हैं। एक तो भावात्मक पक्ष, एक संज्ञानात्मक पक्ष, और तीसरा क्रियात्मक पक्ष, जिसमें सबसे ज्यादा जो उग्र होता है वह भावात्मक पक्ष होता है। भावात्मक यानी कि भावनाएं। ठीक है, भावनाएं क्या होती हैं? जो कि विचारों का आंतरिक रूप होती हैं, जो कि व्यक्ति के मस्तिष्क में होती हैं और जो कि बाहर निकलकर नहीं आई हैं, जब तक वो क्या है? भावना है। ठीक है, और जब ये भावना जो है बाहर निकलकर आती है तो वो क्या बन जाती है? इमोशन बन जाती है।
संवेग बन जाती है जिनको व्यक्ति जो है वो प्रदर्शित करता है, ठीक है। और जब ये संवेग जो है क्रिया का रूप ले लेते हैं, जब ये संवेग जो है, जो जो विचार जो है, जो कि इमोशन के द्वारा उसके बाहर आए, जब ये क्रिया का रूप ले लेते हैं तो ये क्या बन जाते हैं, ये व्यक्ति की जो है वो मूल प्रवृत्ति बन जाती है, ठीक है। तो अभिप्रेरणा में भावात्मक पक्ष जो है वो अत्यधिक उग्र होता है। तो चलिए परिभाषाओं से भी और भी अच्छे से समझ में आएगा कि मोटिवेशन क्या है। स्किनर के अकॉर्डिंग अभिप्रेरणा जो है अधिगम का सर्वोत्तम राजमार्ग है, यानी कोई भी चीज जब सीख रहे हैं तो उसका सबसे उत्तम राजमार्ग क्या है, अभिप्रेरणा है। व्यक्ति को बहुत अच्छे तरीके से मोटिवेशन यदि मिलता है तो वह सीखने की गति जो है वह भी उसकी बढ़ जाती है, ठीक है। तो स्किनर का यही कहना है कि अभिप्रेरणा अधिगम का सर्वोत्तम राजमार्ग है। फिर देखें गुड का कहना है कि अभिप्रेरणा जो है वो कार्य को प्रारंभ करने, जारी करने और नियंत्रित रखने की प्रक्रिया है। गुड का क्या कहना है कि जो अभिप्रेरणा है वो कार्य को जो है वो प्रारंभ करने, जैसे ही व्यक्ति को मोटिवेशन मिला उसने कार्य करना प्रारंभ कर दिया, ठीक है। तो इसने क्या है, गति प्रदान की कार्य को। उसके बाद अभिप्रेरणा जो है वो कार्य को जारी करने और उसे कंट्रोल रखने की क्या है, प्रोसेस है। वुडवर्थ का कहना है कि प्रेरणा जो है वो व्यक्ति की वह दशा है जो उसे कोई भी निश्चित व्यवहार करने के लिए निश्चित लक्ष्यों की ओर उत्तेजित करती है। तो जो कि मैंने आपको बताया कि उसने जो भी लक्ष्य डिसाइड किया है तो उसकी ओर उत्तेजित करती है अभिप्रेरणा, ठीक है। ऐसे निश्चित व्यवहार करने के लिए जो है व्यक्ति को प्रेरित करती है ताकि उसके लक्ष्यों की प्राप्ति हो सके। फ्रेंच व क्रचफील्ड का कहना है कि अभिप्रेरणा हमारे क्यों का उत्तर देती है, ठीक है। इन्होंने जो एक शब्द में ही कहा अभिप्रेरणा क्या है, अभिप्रेरणा जो है वो हमारे क्यों का उत्तर देती है। वहीं पर मैकडोनाल्ड का क्या कहना है कि व्यक्ति के अंदर होने वाला ऊर्जा परिवर्तन ही क्या है, अभिप्रेरणा है, ठीक है। तो अभिप्रेरणा जो है वो व्यक्ति की एक ऐसी आंतरिक अवस्था को हम कहते हैं जो कि व्यक्ति को क्या करती है, एक्टिव बनाती है और उसके व्यवहार को जो है निश्चित दिशा में उद्देश्य की प्राप्ति की ओर आगे बढ़ाती है, ठीक है। तो अभिप्रेरणा जो है वो जागृत करने वाले तत्वों को क्या कहेंगे, हम अभिप्रेरक कहेंगे। तो इसका जो है एक एग्जाम्पल है और वो क्या है कि मान लीजिए कि आपके हाथ में जो है एक गिलास दूध है, ठीक है, और उस दूध में चीनी डालकर पीना जो है ये आपकी इच्छा है कि इसमें जो है चीनी मिलाकर पी जाए। तो उस वक्त चीनी जो है वो क्या है, अभिप्रेरक है। चीनी क्या है, अभिप्रेरक है। मधुरता उसकी क्या रहेगी, अनुभूति रहेगी। और प्राप्त करने की इच्छा जो जागृत होगी वो क्या होगी, अभिप्रेरणा होगी। तो इसी के कारण जो है व्यक्ति के अंदर जो है क्या होता है, ऊर्जा परिवर्तन होता है। मैकडूगल का कहना है कि अभिप्रेरणा यानी प्रेरक वे शारीरिक और मनोवैज्ञानिक दशाएं हैं जो किसी भी व्यक्ति को कोई भी कार्य को करने के लिए प्रेरित करती है, ठीक है। तो मैकडूगल क्या कहते हैं कि अभिप्रेरणा क्या है, जो कि किसी कार्य को करने के लिए व्यक्ति को शारीरिक और मनोवैज्ञानिक तौर पर जो है प्रेरित करती है। एटकिंसन का कहना है कि अभिप्रेरणा के बारे में कि अभिप्रेरणा व्यक्ति को कार्य करने के लिए प्रेरित करती है। तो वही मैकडूगल ने जो है शारीरिक और मनोवैज्ञानिक दशाएं बताया, तो वहीं पर एटकिंसन ने जो है सिंपल वे में कहा कि ये जो है व्यक्ति को कार्य करने के लिए क्या करती है, प्रेरित करती है, आगे बढ़ाती है। जेम्स ड्रेवर कहते हैं कि अभिप्रेरणा एक भावात्मक और क्रियात्मक कारक है जो कि चेतन अचेतन लक्ष्य की ओर होने वाले व्यक्ति के व्यवहार की दशा को निश्चित करने का प्रयास करता है, ठीक है। तो जेम्स ड्रेवर क्या कहते हैं कि अभिप्रेरणा जो है एक भावात्मक और क्रियात्मक कारक है जो कि चेतन अचेतन लक्ष्य की ओर होने वाले व्यक्ति के व्यवहार की दशा को निश्चित करने का प्रयास करता है, ठीक है। तो अभी जो है मोटिवेशन आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि अभिप्रेरणा क्या है। उसके बाद देखिए अभिप्रेरणा के प्रकार। तो अभिप्रेरणा के दो प्रकार हैं, एक है सकारात्मक अभिप्रेरणा और दूसरी है नकारात्मक अभिप्रेरणा। तो सकारात्मक अभिप्रेरणा, इसमें जो है इच्छा शक्ति, संकल्प शक्ति और रुचि जो है उसको इम्पोर्टेंस दी जाती है, ठीक है। और इसमें वे सभी कार्य जो है शामिल किए जाते हैं जिनको करने के बाद जो है जो बालक हो गया या कोई व्यक्ति हो गया उसको सुख की अनुभूति होती है, शांति मिलती है, संतोष मिलता है, ठीक है। और इसमें बालक जो है स्वयं किसी कार्य को अपनी इच्छा से करने को तैयार हो जाता है,
बाहरी प्रेरक जो है कार्य नहीं करता है, बल्कि वो खुद से मोटिवेट होकर आगे के कार्य को करता है। तो बालक के अंदर स्वतः उत्पन्न होने वाली अभिप्रेरणा क्या कहलाती है? सकारात्मक अभिप्रेरणा कहलाती है। और ये अभिप्रेरित वो कैसे हुआ? हो सकता है कि वाद विवाद जो है उसमें भाग लिया हो उसने, या फिर किसी टीचर ने जो है कोई ऐसे पाठ पढ़ाया हो, ऐसी कविता पाठ पढ़ाई हो या कहानी पाठ जो है वह पढ़ाया हो, जहाँ पर जो बालक है उसको सुनकर जो है वो मोटिवेट हुआ है कि ये जो है कहानी में इस तरीके का लिखा हुआ है कि बच्चे ने जो है कितनी मेहनत की और आगे जाके उसने सफलता प्राप्त की। ठीक है, तो इस तरीके से मैं भी अच्छे तरीके से जो है मेहनत करूँगा और जो है मैं भी अच्छे मार्क्स जो है वो लेकर आ सकता हूँ। ठीक है, या फिर कोई परिस्थितियां भी हो सकती हैं जिन परिस्थितियों को देखने के बाद जो है व्यक्ति अंदर से जो है उसके अंदर ये जो है शक्ति उत्पन्न होती है कि मुझे जो है अब ये कार्य करना ही होगा, तो ये जो है सकारात्मक अभिप्रेरणा कहलाती है। वहीं दूसरी तरफ है नकारात्मक अभिप्रेरणा, जो कि सकारात्मक के बिल्कुल अपोजिट होती है। इसमें बालक जो है स्वयं अपनी इच्छा से किसी कार्य को करने के लिए प्रेरित नहीं होता है। बालक जो है या तो दूसरों के दबाव में आकर कार्य करता है या किसी लालच में आकर जो है उस कार्य को करने के लिए प्रेरित होता है। तो मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था कि यदि आप जो है पढ़ाई करके जो है जॉब की तरफ जो है आपका लक्ष्य नहीं है, लेकिन आपके पिताजी माताजी ने कहा कि यदि जो है आपको ये चीज़ जो है वो दे दी जाएगी यदि आप बहुत अच्छे मार्क्स लेकर आओगे, तो जो ये जो अभिप्रेरणा है ये कौन सी अभिप्रेरणा कही जाएगी? नकारात्मक अभिप्रेरणा कही जाएगी, जिसमें जो व्यक्ति है वो खुद अपनी इच्छा से काम को नहीं करता है, बल्कि दबाव में आकर या लालच में आकर जो है उस कार्य को करने को राजी हो जाता है। और नकारात्मक अभिप्रेरणा जो है वो तब लागू होती है जब बालक जो है बाहरी पुरस्कार को प्राप्त करने के लिए कार्य करता है। पुरस्कार हो सकते हैं या फिर दंड भी हो सकता है। ठीक है, दंड भी इसमें आ जाएगा कि जो है शिक्षक ने बालकों को जो है कहा कि यदि तुमने ये कार्य जो है वो नहीं किया तो तुम्हें जो है दंडित किया जाएगा, तो इस दबाव में आकर जो है वह कार्य करता है, या वह टीचर का जो है भय हो सकता है, भय के कारण भी वह उस कार्य को करने को आगे बढ़ेगा। तो ऐसा नहीं सोचना है कि जो पुरस्कार है वो सकारात्मक अभिप्रेरणा कही जाएगी। ठीक है, सकारात्मक अभिप्रेरणा वो है जो कि व्यक्ति के अंतर्मन से जो है जो कि एक जो शक्ति जो है वो जागृत होती है और उसको कार्य करने के लिए आगे बढ़ाती है। उसी तरीके से नकारात्मक अभिप्रेरणा यहाँ पर जो है बाहरी शक्ति कार्य करती है। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए कि जो बच्चा है उसको जो है अच्छा मोबाइल दिलाने के लिए जो है उसके माता पिता कह देते हैं कि आज जो है तुम्हें दौड़ में पार्टिसिपेट करना है और इस दौड़ में जो है सबसे फर्स्ट आना है। ठीक है, या फिर क्लास में जो है सबसे अच्छे मार्क्स लेकर आने हैं। तो ये सब क्या है? ये नकारात्मक अभिप्रेरणा है। गैरेट के अनुसार अभिप्रेरणा के कितने प्रकार हैं? तो यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में आता है। तो सबसे पहला है जैविक अभिप्रेरणा, दूसरा है मनोवैज्ञानिक अभिप्रेरणा और तीसरा है सामाजिक अभिप्रेरणा। तो सबसे पहले है जैविक अभिप्रेरणा। तो जैविक अभिप्रेरणा को हम जो है शारीरिक प्रेरक या प्राथमिक प्रेरक या जन्मजात प्रेरक भी कहते हैं। तो जन्म से ही जुड़ जाते हैं ये अभिप्रेरक। ठीक है, तो इसमें क्या है? इसमें जो देखिए भूख है, प्यास है, भय है, क्रोध है, तो मनुष्य जो है वो जीवित रहने के लिए इन प्रेरकों की क्या करता है? पूर्ति करता है। ठीक है, तो ये जो है जीवन का आधार भी होते हैं। ये जो जन्मजात प्रेरक हैं, ये जो जैविक अभिप्रेरक हैं, तो ये जीवन का आधार भी माने जाते हैं, जिनको पूरा करने के लिए व्यक्ति जो है वो आगे कोशिश करता है। आपको भूख लगी है तो आप क्या करोगे? भोजन की खोज करोगे। ठीक है, तो भोजन को पाने के लिए, क्योंकि भोजन यदि आपको नहीं मिला तो आप जीवित नहीं रह सकते हो। ठीक है, तो ये क्या है? ये जो है अभिप्रेरक है और इन प्रेरकों की पूर्ति करने के लिए व्यक्ति जो भी कार्य करता है, कार्य करने के लिए जो भी प्रयास करता है, तो वो क्या है? जैविक अभिप्रेरणा कहलाएंगे। उसके बाद देखिए मनोवैज्ञानिक अभिप्रेरणा जो है वह कौन सी है? रचनात्मक है, चिंतन है, तो ये मनोवैज्ञानिक अभिप्रेरणा है। सामाजिक अभिप्रेरणा कौन सी है? सम्मान है और सुरक्षा है। ठीक है, तो इसे जो है अर्जित अभिप्रेरणा जो है वह भी हम कह सकते हैं। इसमें जो व्यक्ति जो है वो विभिन्न पर्यावरणीय कारकों के साथ अंतःक्रिया करके जो है इसको प्राप्त करता है। ठीक है, अपने साथियों या फिर जो लोगों का जो समूह है उसमें अपने आप को जो है आगे बढ़कर दिखाने या वहां पर जो है अपनी पोजीशन दिखाने के लिए जो है यहाँ जो है कार्य करता है। ठीक है, और ये अभिप्रेरणा जो है वो सभी सभी जो उम्र के जो व्यक्ति होते हैं उनमें होती है।
है, लेकिन प्रारंभिक जो किशोरावस्था में यानी कि लगभग 13 से 15 वर्ष की आयु में जो है ये सबसे अधिक होती है और सबसे ज्यादा विशिष्ट होती है। यहाँ पर बालक जो है ऐसे ऐसे कार्य जो है वो करता है कि उसे जो है सम्मान की दृष्टि से देखा जाए, उसे जो है वो आगे बढ़कर या उच्च स्तर पर जो है उसको समझा जाए। ठीक है, तो बालक जो है तेजी से उन कामों को जो है यहाँ पर करना सीख जाता है जिससे कि उसे जो है श्रेष्ठता मिले, सत्ता जो है वह हासिल हो या दूसरों को नियंत्रित करने का भाव जो है उत्पन्न होता है, और उन कार्यों से जो है वो दूर रहना भी सीख लेता है जिनसे उसके अंदर जो है हीनता या जो लाचारी है उसका भाव उत्पन्न होता है। तो ये जो है सामाजिक अभिप्रेरणा कहलाती है। फिर देखें थॉमसन के अनुसार अभिप्रेरणा जो है दो प्रकार की है, एक है स्वाभाविक अभिप्रेरणा और दूसरी है कृत्रिम अभिप्रेरणा। तो स्वाभाविक अभिप्रेरणा वही कहलाती है जन्मजात अभिप्रेरणा ही, ठीक है, जिसमें भूख है, प्यास है, खेलना है, खुशी प्राप्त करना है, ये क्या है, ये सभी स्वाभाविक अभिप्रेरणा है। मान लीजिए आपको जो है वो भूख लगती है, ठीक है, तो जब आपका जो आमाशय जो है वो खाली हो जाता है तो इसमें जो है संकुचन तेज गति से होता है जिसके कारण व्यक्ति को जो है पेट के अंदर दर्द होता है, और इस दर्द को क्या कहते हैं, भूख दर्द कहते हैं। ठीक है, और जिसके लिए व्यक्ति जो है वो भोजन प्राप्त करना चाहता है, ठीक है, और उस भोजन को पाने के लिए जो कार्य करता है और आगे की ओर बढ़ता है, तो ये जो है स्वाभाविक अभिप्रेरणा कहलाती है। और इसी तरीके से जब आपको जो है प्यास लगती है, आपका जो है वो गला सूखने लगता है, तो ऐसी स्थिति में जो है आपका जो माइंड जो है वो सूचना देता है कि शरीर में जो है पानी की कमी हो गई है, और जिससे व्यक्ति को जो है प्यास का अनुभव होता है। ठीक है, तो पानी के लिए जो है वो आगे बढ़ता है। तो प्यास जो है जिसने पानी क्या है आवश्यकता, इसको प्राप्त करने के लिए जो उसे दिशा प्रदान की, तो ये क्या है स्वाभाविक अभिप्रेरणा ही होती है। तो इसको प्राप्त करने के बाद व्यक्ति को खुशी की अनुभूति होती है। दूसरा है कृत्रिम अभिप्रेरणा। तो जो हमने सामाजिक अभिप्रेरणा देखी तो वही है अर्जित अभिप्रेरणा कहें इसको या कृत्रिम अभिप्रेरणा कहें, ठीक है, तो जहां पर सम्मान है, सुरक्षा है, दंड पुरस्कार है, ठीक है, यहाँ पर व्यक्ति जो है वो अपने आप की जो है ख्याति प्राप्त करने के लिए या अपने आप को जो है सर्वोपरि जो है लोग उसको समझें, अच्छा समझें, तो उसके लिए जो है वो कार्य करता है, ऐसे कार्य करता है, ऐसे व्यवहार करता है जिससे व्यक्ति को जो है सुरक्षा जो है वह मिले, उसको जो है सम्मान मिले, उसका आत्मसम्मान, उसका गौरव जो है वो बढ़ सके। तो इसे जो है अर्जित अभिप्रेरणा भी कहेंगे। मैस्लो के अनुसार अभिप्रेरणा जो है उसके दो प्रकार हैं, जन्मजात अभिप्रेरणा और अर्जित अभिप्रेरणा। तो ये भी वही है जो हमने अभी पढ़ा था किस में, थॉमसन के अनुसार अभिप्रेरणा में स्वाभाविक अभिप्रेरणा, तो वही है जन्मजात अभिप्रेरणा जो कि हमारे जन्म से ही जुड़ जाती है और जहाँ व्यक्ति जीवित रहने के लिए उन कार्यों को करता है। तो भूख है, प्यास है, नींद है, इनको पाने के लिए जो व्यक्ति जो भी कार्य करता है, जो भी व्यवहार करता है, तो जो उसको आगे कार्य करने के लिए जो है जो शक्ति जो उसको आगे करने के लिए बढ़ाती है, तो वह क्या है, जन्मजात अभिप्रेरणा है। ठीक है, तो इसमें वे कार्य जो व्यक्ति के व्यवहार को गति प्रदान करते हैं तो जन्मजात अभिप्रेरणा कहलाते हैं, जिससे व्यक्ति की जो शारीरिक आवश्यकताएं हैं वो पूरी होती हैं। तो यहां पर हमने ये चीज जानी कि अभिप्रेरणा के लिए आवश्यकता का होना बहुत जरूरी है। अर्जित अभिप्रेरणा, तो अर्जित अभिप्रेरणा वही कृत्रिम अभिप्रेरणा हम कह सकते हैं, तो सुरक्षा है, सम्मान है, प्रतिष्ठा है, जिज्ञासा है, जिसको पाने के लिए व्यक्ति जो है वो कार्य करता है। ठीक है, तो देखिए हमने जो है प्रकार पढ़े जिसमें बिल्कुल सामान्य तौर पर दो प्रकार हैं, सकारात्मक और नकारात्मक। वहीं पर गैरिट के अनुसार तीन प्रकार बताए हैं, जैविक अभिप्रेरणा, मनोवैज्ञानिक अभिप्रेरणा और सामाजिक अभिप्रेरणा। कैसे याद रख सकते हो, गैरिट में जो है तीन आपको यहाँ पर क्या मिल रहे हैं, अक्षर मिल रहे हैं, गै, रे और ट। ठीक है, तो तीन अक्षर से याद रखिए कि इन्होंने तीन प्रकार बताए हैं, जैविक अभिप्रेरणा, मनोवैज्ञानिक अभिप्रेरणा और सामाजिक अभिप्रेरणा। तो जैविक अभिप्रेरणा किससे संबंधित है, जो कि जन्म जात है, ठीक है, जिसमें शारीरिक आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए व्यक्ति आगे की ओर बढ़ता है, कार्य करता है। ठीक है, सामाजिक अभिप्रेरणा जो कि अर्जित अभिप्रेरणा कही जाती है। ठीक है, तो मान सम्मान है, सुरक्षा है, प्रतिष्ठा है, वो इसमें आ जाएगी। थॉमसन जो है तो इन्होंने कितने प्रकार, इन्होंने दो प्रकार बताए हैं, स्वाभाविक अभिप्रेरणा और दूसरी कृत्रिम अभिप्रेरणा। मैस्लो ने भी दो ही प्रकार बताए हैं, जन्मजात अभिप्रेरणा और अर्जित अभिप्रेरणा। तो आज हम यहीं तक पढ़ेंगे और उसके बाद हम पढ़ेंगे अभिप्रेरणा के
स्रोत। ठीक है, तो हमने क्या क्या पढ़ा थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। हमने पढ़ा कि जो अभिप्रेरणा जो है वह अंग्रेजी भाषा के मोटिवेशन शब्द से बना है, और मोटिवेशन किससे बना है, लेटिन भाषा के मोटम से। ठीक है, जिसका अर्थ क्या है, गति करना, टू मूव। तो अभिप्रेरणा क्या है, जिसमें हमने विशेषताएं देखी कि ये जो है एक ऐसा आंतरिक प्रेरक है, आंतरिक बल है, जो व्यक्ति को उसके लक्ष्य की प्राप्ति करने के लिए आगे की ओर अग्रसर करता है। ठीक है, और अभिप्रेरणा जो है कैसी शक्ति है, अदृश्य शक्ति है, जो कि दिखाई नहीं देती है, और जो व्यक्ति अभिप्रेरित होता है तो वो व्यक्ति जो है वो निरंतर जो है वो कार्य करता है, अधिगम के राह पर जो है वो निरंतर चलता है। और अभिप्रेरणा जो है अधिगम का सर्वोत्तम राजमार्ग है। तो ये डेफिनेशन जो है, जो कि एग्जाम में कई बार आ चुकी है, किसने कही है, स्किनर ने कही है। ठीक है, वहीं पर गुड क्या कहते हैं, गुड कहते हैं कि अभिप्रेरणा जो है कार्य को प्रारंभ करने, जारी करने और नियंत्रित करने की क्या है, प्रक्रिया है। तो यदि हम जो है इसका कंक्लूजन निकालें तो हम ये कह सकते हैं कि अभिप्रेरणा जो है वो व्यक्ति को आगे कार्य करने के लिए क्या करती है, प्रेरित करती है। ठीक है, अभिप्रेरणा के दो प्रकार होते हैं, सकारात्मक अभिप्रेरणा, जिसको हम आंतरिक अभिप्रेरणा भी कहते हैं, जो कि बालक के अंदर स्वतः उत्पन्न होने वाली अभिप्रेरणा कही जाती है, जो खुद से उत्पन्न होती है और खुद से ही व्यक्ति कार्य करने के लिए आगे बढ़ता है, जो कि बहुत अच्छी अभिप्रेरणा मानी जाती है। नकारात्मक अभिप्रेरणा क्या होती है, जहां पर व्यक्ति जिन बातों को सुनकर, ठीक है, जिन परिस्थितियों को देखकर व्यक्ति जो है वो अपने पैर पीछे कर लेता है और ये सोचता है कि अब मुझसे ये कार्य नहीं होगा। तो बालक के बाह्य रूप से उत्पन्न होने वाली अभिप्रेरणा नकारात्मक अभिप्रेरणा कहलाती है। या ऐसे भी हो सकता है कि व्यक्ति जो है उस पर दबाव डाला गया हो और फिर उससे जो है वो कार्य करवाया जाता है, हालांकि वह कार्य करता तो है लेकिन वहां पर जो है नकारात्मक अभिप्रेरणा कार्य कर रही होती है। ठीक है, या किसी के डर से जो है वो कार्य करता है। गैरिट के अनुसार अभिप्रेरणा के तीन प्रकार बताए, एक तो जैविक अभिप्रेरणा, दूसरी मनोवैज्ञानिक अभिप्रेरणा और तीसरी सामाजिक अभिप्रेरणा। ठीक है, थॉमसन ने जो है दो प्रकार बताए, एक तो कौन सा बताया, जो कि गैरिट के अनुसार अभिप्रेरणा जो कि जैविक अभिप्रेरणा रही उसे उन्होंने स्वाभाविक अभिप्रेरणा कहा, और गैरिट के अनुसार जो सामाजिक अभिप्रेरणा है उसको उन्होंने क्या कहा, उसको उन्होंने कृत्रिम अभिप्रेरणा कहा। ठीक है, मैस्लो के अनुसार भी अभिप्रेरणा दो प्रकार की, एक जन्मजात और अर्जित अभिप्रेरणा। तो ये मैंने रिवाइज करवा दिया जो भी आज हमने पढ़ा। नेक्स्ट वीडियो में हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, तब तक आप जो है वो रिवाइज करिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।